कांग्रेस ने शनिवार की रात को अपने लोकसभा प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें देश भर के 46 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है, जिसमें बस्तर लोकसभा सीट से कवासी लखमा को कैंडिडेट बनाया गया है। लोकसभा चुनाव में उनका मुकाबला बीजेपी के महेश कश्यप से होगा। कांग्रेस ने कवासी लखमा को बस्तर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। कवासी लखमा फिलहाल पिछले साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में कोंटा विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक है। वे विधानसभा चुनाव में लगातार 6 बार जीतकर विधायक बन चुके हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी सोयम मुका को 1981 वोटों के अंतर से हराया था। कवासी लखमा बस्तर जिले से आते हैं। उनका यह जिला प्रदेश में नक्सल प्रभावित इलाका है और नक्सल गतिविधि के चलते अक्सर चर्चा में बना रहता है। यहीं से आने वाले कवासी ने कभी भी स्कूल नहीं गए, हालांकि उन्होंने आदिवासी जीवन से बहुत कुछ सीखा। भले ही उन्होंने कभी भी स्कूल का मुंह नहीं देखा है, लेकिन 2018 में भूपेश बघेल की सरकार बनने पर उन्हें मंत्री बनाते हुए आबकारी और उद्योग विभाग दिया गया है।